तो इस वीडियो में बात करेंगे फिर से आज हम लोग HAL शेयर के बारे में। HAL लिमिटेड आखिर करना क्या है स्टॉक में। पिछला कुछ दिन से एक ही रेंज में स्टॉक यहाँ पे फंसा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। बहुत जन का क्वेश्चन आ रहा है कि करना क्या है आगे। तो आगे इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग HAL के ऊपर क्या टारगेट है, क्या करना है आगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से एक ही बॉक्स के अंदर काम कर रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है। जब शेयर पिछला कुछ साल से इतना बढ़िया रिटर्न दे के आया है तो थोड़ा बहुत स्टॉक में कंसोलिडेट होना भी बहुत ज़रूरी है। जब स्टॉक कंसोलिडेट करेगा तो ब्रेकआउट करेगा तब फिर इसका टारगेट और ऊपर आप देख सकते हैं, 7,000-8,000 तक का टारगेट देख सकते हैं। तो अभी करना क्या है, देखिए स्टॉक आपका एक रेंज में फंसा हुआ है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 4,500 से लेकर 5,000 के बीच में। अब स्टॉक यहाँ से दो ही चीज़ हो सकता है, या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट। अब जैसे RSI भी देख सकते हैं, इसका 43 अभी RSI चल रहा है। तब जब तक आप यहाँ पे जो है 5,000 का लेवल को क्रॉस नहीं करता स्टॉक, तब तक तक आप उसके ऊपर कोई मतलब आप बुलिश ट्रेंड नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बन गया है 5,000 का। जब भी ऊपर स्टॉक जाता है 5,000 का, फिर 5,000 के ऊपर रेजिस्टेंस लेके फिर स्टॉक नीचे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए दो बार 5,000 का ये से रिटर्न होकर आया है। अब एक दो तीन बार जाके 5,000 ऊपर से रिटर्न हो गया, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है, 5,000 का हर्डल बन गया है एक स्टॉक के लिए। तो अब नेक्स्ट करना क्या है, नेक्स्ट देखिए अभी का सिचुएशन में स्टॉक जो है आपका वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन में है। आप यहाँ पे अभी कुछ नहीं करिए, जब तक स्टॉक आपका 5,000 का ब्रेकआउट नहीं दे देता है, जब तक स्टॉक आपका 5,000 का यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक आप स्टॉक में कुछ मत करिए, वेट एंड वॉच करिए ओनली। 5,000 के ऊपर जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट दे अच्छा वॉल्यूम के साथ, RSI में भी देखिएगा गोल्डन क्रॉस ओवर दे दे, अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे दे स्टॉक, तब आप स्टॉक में एंट्री करिए। तब आपको क्या है कि एक 52 एक हाई जो है उतना तो कम से कम रिटर्न मिल ही सकता है, 5,600 तक, मतलब 5,500 से लेकर 5,600 तक टारगेट रख सकते हैं। 5,000 क्रॉस किया तो आप जैसे 5,000 का स्टॉक क्रॉस करेगा ब्रेकआउट करेगा तब आप वहाँ पे 10% के लिए मतलब 500 पॉइंट या 600 पॉइंट के लिए आप वहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। जब तक स्टॉक 5,000 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको ओनली वेट एंड वॉच करना है। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक ब्रेकआउट भी नहीं दे रहा है कि ब्रेकडाउन भी नहीं दे रहा है, एक ही रेंज में काम कर रहा है जो कि बढ़िया है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे उसके बाद ब्रेकआउट करे तो वो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, वहाँ पे हम लोग 6,000 तक का टारगेट देख सकते हैं आराम से। तो अभी बस यही बोलना है कि अभी स्टॉक में बस आप बने रहिए, वेट एंड वॉच करिए। अगर आप बहुत ऊपर से बाइंग करें तो भी आप थोड़ा सा होल्ड करिए, अभी शेयर में एवरेज मत करिए। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा अगर और गिरावट आए इस लेवल तक का तब तो फिर आप वहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, जो कि आना अभी पॉसिबल लग नहीं रहा है क्योंकि स्टॉक के ऊपर इतना बढ़िया बढ़िया न्यूज़ आ रहा है। तो स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट ही देना चाहिए, अगर निफ्टी मार्केट सही रहा, अगर निफ्टी वगैरह ठीक ठाक रहा तो यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि स्टॉक के ऊपर देखिए अच्छा खासा डेली न्यूज़ आ रहा है। अभी बीच में आपका देखिएगा जैसे डिफेंस सेक्टर की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से न्यूज़ आया था कि हाँ इसके ऊपर जो है ऑर्डर के लिए एक दे दिया गया है अनुमति। तो आप यही है कि स्टॉक के बने रहिए, वेट करिए, वॉच करिए और होल्ड करिए टाइटली। फंडामेंटल वाला शेयर है, क्योंकि देखिए आप अगर होल्डिंग में, अगर इक्विटी होल्डिंग में आप अगर लॉस में बेचिएगा तब तो फिर हम क्या बोले, हाँ इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सब चीज़ अलग होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में कर रहे हैं तो ठीक है, आप एक ठो SL के साथ काम करिए। अब देखिए इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाला शेयर है, इसको आप अगर लॉस में बेचिएगा तो मोनोपोली वाला शेयर है तो कोई मतलब नहीं बनता आपका, फिर शेयर मार्केट में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। इतना बढ़िया शेयर मोनोपोली वाला शेयर है, इसको आप लॉस में नहीं बेचना है, इसको होल्ड करिए, वेट एंड वॉच करिए। अगर बहुत ऊपर लिया हुआ है तो थोड़ा बहुत एवरेज और नीचे आए तो कर सकते हैं। 4,500 के लेवल में इसका टारगेट नहीं, जैसे सपोर्ट देख रहे हैं तो 4,500 के लेवल में आए तो थोड़ा बहुत और एवरेज करिए स्टॉक का। हर एक हम बोल रहे हैं कि 5 से 8% मतलब उसी बीच में गिरावट में आप स्टॉक को एवरेज करिए, अच्छा खासा क्वांटिटी में एवरेज करिए। बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाला शेयर है, क्योंकि जिस दिन यहाँ पे 5,000 का ब्रेकआउट करेगा ना उस दिन आप उसका टारगेट 5,500 से 6,000 तो शॉर्ट टर्म में मतलब एक दो वीक में ही लिख के ले लीजिए, 10 से 15% का दे देगा रिटर्न। क्योंकि स्टॉक यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, अब जिस दिन ब्रेकआउट करेगा ना पूरा एकदम ब्लास्ट कर देगा स्टॉक सीधा 20 से 30%। जैसे पिछला वीडियो में आपको बताया ग्रेविटा लिमिटेड के बारे में, ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के बारे में, देखिए हम जैसे वीडियो बना के दिए उसका नेक्स्ट डे स्टॉक ने 10% का मतलब वहाँ ब्रेकआउट कर दिया पूरा एकदम 10%। तो इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, अच्छा खासा न्यूज़ आ रहा है, डिफेंस सेक्टर है, मोनोपोली स्टॉक है, तो होल्ड करके रखिए। जिस दिन ब्रेकआउट दिया उस दिन फिर एक ही दिन में आपका पूरा जो होल्ड करके अभी रख रहे हैं ना 3-4 महीना से, तो वो एक ही दिन में आपका भरपाई हो जाएगा। बढ़िया शेयर है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए और थोड़ा और नीचे आए 4,500 उसके
मतलब 4300-4500 करीब आए। यहाँ पर ये देखिए जैसे सपोर्ट है, तो सपोर्ट के आप थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। और फ्रेश एंट्री आपका देखिए, हम तो बोलेंगे जब ब्रेकआउट करें 5000 के ऊपर का लेवल, तब जाके आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री लीजिए। अभी मत लीजिए क्योंकि अभी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है 4500 से लेकर 5000 के रेंज में स्टॉक अभी घूमे और कुछ दिन, उसके बाद ब्रेकआउट दे तो ऊपर का लेवल, उस टाइम फिर आप अपना फ्रेश एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये था आज HAL के ऊपर पूरा फुल वीडियो डिटेल्स।